अब हम पत्रकारिता और राजनीति के उस तूफान की बात करेंगे जो डेढ़ महीना पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में आया था और आप सब ने इसकी नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स पर देखी थी लेकिन अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है यानी वो सारे तमाम लोग जो पुलिस की लाठियां खाते हुए किसी भी तरीके से उस गांव तक पहुंचना चाहते थे फोटो खिंचवाना चाहते थे वीडियो बनाना चाहते थे ये जो सारे न्याय के ठेकेदार थे ये अब कहाँ गायब हो गए हैं हाथरस पहुंचने के लिए कई नेताओं ने मीडिया के सामने आपको याद होगा जमकर ड्रामे किए थे इन नेताओं ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार के साथ तस्वीरें ली उनके साथ वीडियोज बनाए और फिर सोशल मीडिया पर डाले दूसरी तरफ वहाँ मौजूद हर पत्रकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्रांतिकारी पत्रकारिता कर रहा था कुल मिलाकर ये सारे लोग सब के सब न्याय के ठेकेदार बनना चाहते थे पत्रकारों और नेताओं में इस बात की होड़ लगी हुई थी कि सबसे पहले पीड़ित परिवार तक कौन पहुंचेगा कौन सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा कौन सबसे पहले वीडियो बनाएगा लेकिन अब ये सब लोग हाथरस को पूरी तरह भुला चुके हैं क्योंकि अब टीआरपी का जो कुआं है वो कहीं और खोदा जा रहा है और मीडिया और नेता एक टीआरपी का कुआं खोदते हैं और दूसरे वोटों का कुआं खोदते हैं नेताओं ने हाथरस की घटना के बाद 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया और राजनीतिक पर्यटन के लिए रातों रात हाथरस पहुंच गए थे आपको याद होगा हाथरस पहुंचने के लिए इन नेताओं ने पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ दिए थे और बिना देर किए आरोपियों और पीड़ित की जाति ढूंढ निकाली थी जाति के आधार पर सब कुछ हो रहा था वोट बैंक के आधार पर सब कुछ हो रहा था राहुल गांधी की वो तस्वीरें आपको शायद अब भी याद होंगी जब वो पुलिस द्वारा रोकने के बावजूद पैदल ही हाथरस की तरफ बढ़ रहे थे पैदल मार्च कर रहे थे सड़कों पर एक जगह तो वो गिर भी गए थे ये तस्वीर कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने बहुत वायरल कराई थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह तस्वीर देखकर राहुल गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति बहुत बढ़ेगी इसी तरह आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को हाथरस जाने के लिए पुलिस की लाठियां तक खानी पड़ी थी यह भी तस्वीरें आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के चेहरे पर हाथरस में स्याही फेंक दी गई थी फिर भी ये सारे नेता किसी भी तरह किसी भी कीमत पर सरकारी नियमों को आदेशों को तोड़ते हुए हाथरस पहुंचना चाहते थे चाहे कुछ भी हो जाए इन्होंने पीड़ित परिवार को गले लगाया उनके साथ आंसू बहाए उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई वीडियो बनवाए फिर इनकी पार्टियों ने उन तस्वीरों को और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और वाहवाही बट बत, बटोरने की कोशिश की ये तो नेताओं का हाल था आपको याद होगा राहुल गांधी की ये वीडियो इसे पूरे देश में बांटा गया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जब दोनों एक साथ वहां पर गए थे यह तस्वीर भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत वायरल की थी और कहा था कि एक नेता को ऐसा होना चाहिए जो जनता का दुख दर्द समझ सके जनता को आम लोगों को गले लगा सके दूसरी तरफ मीडिया था जो किसी भी कीमत पर नेताओं से पहले पीड़ित परिवार तक पहुंचना चाहता था अपने दर्शकों को ये बताना चाहता था कि ये रिपोर्ट करने वाले हम पहले चैनल हैं वहाँ पहुँचने वाले हम पहले चैन पहले चैनल हैं और सरकार हमारी रिपोर्ट देखकर ही सारी कार्रवाई कर रही है और हम ही न्याय के सबसे बड़े ठेकेदार हैं इसके लिए पत्रकारों ने हाथरस से बूलगढ़ी गांव में एक तरह से अपने अपने कैंप्स डाल दिए थे कैंप करके बैठ गए थे दिन रात कहते थे वहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा पत्रकार उन्हें रोकने वाली पुलिस से लड़ रहे थे पुलिस के साथ बहस कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ा रहे थे कैमरा ऑन होते ही पत्रकार ये दिखाने लगते थे कि उनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है पत्रकार ये दिखाने लगते थे कि वो कितनी मुसीबत में हैं और कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपने देखा होगा हमारे देश में परंपरा है कि पहले तो मीडिया चौबीसों घंटे बिना रुके रिपोर्टिंग करता है फिर जब वहां से पूरी दुकान बंद हो जाती है फिर उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखता कभी भी कोई दोबारा वहां नहीं जाता यह देखने के लिए कि उसके बाद क्या हुआ कुछ ही दिनों में मीडिया ने हाथरस की घटना से टीआरपी का सारा रस निचोड़ लिया और मीडिया के कैमरे वापस दिल्ली और नोएडा के अपने अपने स्टूडियोज में लौट आए और फिर टीआरपी के अगले कुएं का इंतजार करने लगे यह देखने लगे कि अब अगला कुआं कहां खोदना है नेताओं ने भी यही किया वहां से वोटों का पूरा रस निचोड़ लिया और फिर वो ये देखने लगे कि अब अगली बार कहां जाना है लेकिन हमने ऐसा नहीं किया हमने लगातार हाथरस पर नजर रखी आपने देखा होगा हमने उसके बाद भी आपको कई रिपोर्ट्स वहां पर वहां से दिखाई हैं और आपको इस घटना का हमने अपडेट दिया अब हम एक बार फिर से हाथरस के उसी बूलगढ़ी गांव गए जहां पीड़ित की हत्या की कोशिश की गई थी जिसके बाद दिल्ली के अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी और हमारी रिपोर्टिंग टीम ने इस गांव में जाकर अब ये समझने की कोशिश की कि टीआरपी वाले तुष्टीकरण का तमाशा और नेताओं के अपने आलिशान बंगलों में वापस आ जाने के बाद अब पीड़ित परिवार किस हाल में है वो परिवार किस हाल में है जिसकी बेटी गई और वो परिवार किस हाल में है जिनके बेटों को इसमें आरोपी बनाकर जेल में डाला गया है और गांव में क्या चल रहा है क्या गांव में कुछ बदला है क्या समाज में कुछ बदला है क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी हमारे देश में यह परंपरा है कि एक खबर को कुछ ही दिनों के बाद भुला दिया जाता है लेकिन अब हमने इसका फॉलोअप करने की कोशिश की है और आज हम आपको दिखाएंगे कि हाथरस में आज के हालात क्या हैं आपको भी समझने में आसानी रहेगी तीन अक्टूबर दो हजार बीस हाथरस के बुलगढ़ी गांव में पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई थी हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर कई बड़े नेता हाथरस पहुंच रहे थे तब 24 घंटे टीवी पर इस खबर की कवरेज भी हो रही थी मीडिया के सैकड़ों कैमरे गांव में मौजूद थे सब कह रहे थे कि वो पीड़ित को इंसाफ दिला कर रहेंगे इस केस को अंजाम तक पहुंचाएंगे पर नेताओं की राजनीति और न्यूज चैनलों की टीआरपी का यह खेल कुछ ही दिनों में खत्म हो गया दुनिया भूल जाती है पर मां बापों के आखमन में जो घाव है ना वो कभी नहीं भूल सकते। दुनिया भूल जाए पर जो माँ बाप को दर्द है ना कोई ना भुला सकती है। या तो ईश्वर है या न्याय है लड़की के सामने ये कहना चाहती तो क्या? हाँ कुछ कोई नहीं आया जब तेजी केस फीस चले तो को, कोई काउ के जोर ना जाए रहो यानी अब कोई एक दूसरे से मिली नहीं रहा गांव में कोई नहीं काउ के जोर जा रहो लगभग दो महीने बाद हाथरस के इस गांव का रास्ता अब नेताओं को शायद ही याद हो ज्यादातर न्यूज़ चैनल भी इस गांव और पीड़ित के परिवार को भूल गए हालांकि जी न्यूज़ को खबरों के लिए अपनी जिम्मेदारी याद है इसलिए हम इस गांव में वापस आए हैं हम किसी भी खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास के साथ आज हम एक बार फिर से हाथरस पहुंचे हैं हाथरस का वो गांव जो कि आज से कुछ महीनों पहले तक देश भर की सुर्खियों में था यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ थी यहाँ पर नेताओं की भीड़ थी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी यहाँ पर इंसाफ दिलाने की होल लगी हुई थी। लेकिन आज यहां पर सन्नाटा है नेता और न्यूज चैनल भले ही बदल गए हैं लेकिन हाथरस की इस बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है अब पीड़ित का परिवार किस हालत में है क्या कर रहा है और इस घटना ने बोलगढ़ी गांव को कितना बदल दिया है इस बात की फिक्र किसी को नहीं है क्योंकि अब बोलगढ़ी में न नेताओं के लिए सस्ती लोकप्रियता है और न ही मीडिया के लिए टीआरपी उम्मीद तो यही है कि क्या तो हमें न्याय मिले बेटी को इंसाफ मिले यही उम्मीद रहेगी हमारी जब तक यही है अभी कोई आया अब उसके बाद से नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आया हर नेता और समाज सेवी आकर इस परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा कर रहे थे लेकिन कुछ ही दिन बीतते ही ये खबर उन सभी लोगों की यादाश्त से गायब हो गई कोई नेता होता पूछने आया अभी किस हालत में है आप लोग कुछ कोई नहीं आया तो कोई नहीं आया अदालत के आदेश के बाद इस समय सीआरपीएफ के 80 जवान पीड़ित के परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं और पीड़ित के घर में आने जाने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है हम इस वक्त हाथरस में पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं और अब यहाँ की स्थिति बदल चुकी है सीआरपीएफ की सुरक्षा में यह परिवार 24 घंटे रहता है सीआरपीएफ की एक कंपनी की तैनाती इस गांव में की गई है खासतौर पर पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए आप देखिए यहाँ पर कोई भी आएगा उसके नाम की एंट्री इन रजिस्टर में की जाएगी जैसे हम लोग भी आए हमने भी अपना पूरा यहाँ पर जा, पूरी जानकारी इसमें लिखी अपनी एंट्री की और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक आस्थाई आ, सुरक्षा पिकेट भी बना कर रखा गया है आ, और जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात है मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है मेटल डिटेक्टर से आप प्रवेश करके ही अंदर जा पाएंगे और उसके बाद आप देखिए इस गली में भी यहाँ पर सी के तमाम जवान तैनात है ये 24 घंटे सुरक्षा में यहां पर तैनात है कोई भी व्यक्ति अगर इस परिवार के पास आता है उसकी एक एक जानकारी नोट की जाती है और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाता है पीड़िता के परिवार के घर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है लगभग आठ सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग लोकेशन पर मेन एंट्रेंस के साथ ही साथ जहां पर गांव की एंट्री होती है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और जो घर की छत है उसके ऊपर भी सीसीटीवी कैमरे आपको दिखाई पड़ेंगे इनके माध्यम से कंट्रोल रूम से सीधे निगरानी रखी जाती है हम सिर्फ एक पक्ष की आधी अधूरी बात नहीं रखते हैं बल्कि दोनों ही पक्षों की आवाज सुनाते हैं सच की तलाश में जी न्यूज एक बार फिर से हाथरस के इस गाँव पहुंचा है और ये पीड़िता का घर है और ये आरोपियों का घर है अब हम आपको आरोपियों के परिवार के पास लेकर चलेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे आखिरकार इस एक घटना के बाद से उनकी जिंदगी कैसे पूरी तरह से बदल गई ये हाथरस की घटना के मुख्य आरोपी संदीप का घर है इनके परिवार ने हमसे बातचीत नहीं की हालांकि उन्होंने बताया कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है इसके बाद हम इस मामले में एक और आरोपी लवकुश के घर पहुंचे यहाँ आरोपी लव कुश के चाचा ने हमसे बातचीत की लड़का आने चाहिए तीनों तो तो वो वो था, बेकार वो 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 फंसे ना वो तो। इस समय सीआरपीएफ की टीम बोलगढ़ी गांव में पेट्रोलिंग करती है हालांकि इसके बावजूद गांव के लोगों का डर खत्म नहीं हुआ है और अब वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तक कि हाल चाल भी नहीं पूछते है वालों से बातचीत होती है जो और लोग नहीं किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती तो हम लोग तो यहीं रह जाते हैं गांव में बातचीत होती है लोगों नहीं मैं किसी से नहीं होती है और जाते आते ही नहीं है तो हम कहाँ से किसी से बात करते हैं वो तो घर रहती है आप लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं या नहीं, कैस? नहीं जा रहे हैं। किसी के नहीं मैं नाम सुन तो रहा हूँ देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब इस घटना पर इस केस के बारे में जो गांव के लोग हैं वो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। बुलगढ़ी गांव की सड़कें खाली हैं। यहां के लोग अधिकतर समय अपने घरों के अंदर रहते हैं और कुछ लोग इस घटना के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। हमारी खेती हुआ सोलह सौ रुपया घटना के बाद से कुछ आपको जानकारी जा, 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 जा इस घटना तो बहुत दूर, दूर 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 बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अब आप आपस में गाँव में भाईचारा है हमारे हिसाब से निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए इस समय सीबीआई दोनों पक्षों से पूछताछ कर चुकी है इलाहाबाद हाईकोर्ट इस जांच की निगरानी कर रही है यूपी सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और सभी लोगों को सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार है इस मामले के दोषी कौन है इसका पता लगाना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है जी न्यूज इस मामले में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता है हमने आपको सभी पक्षों की बात सुनाई है और हम इस मामले में अपना कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहते विशाल पांडे जी मीडिया बुलगढ़ी गांव हाथरस हाथरस कांड में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है आज भी हुई है और आज सीबीआई ने कोर्ट को इस मामले की एक स्टेटस रिपोर्ट दिखाई है और अब अगली सुनवाई इस मामले पर 16 दिसंबर को होने वाली है और सीबीआई इस मामले का इस मामले के चारों आरोपियों का पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए उन्हें गुजरात लेकर गई है और जहां फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ये सारी चीज़ें होंगी ये सारे टेस्ट होंगे जहां सीबीआई बी ये समझने की कोशिश करेगी कि घटना पर ये आरोपी वाकई सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं लेकिन हमने आज आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखाई क्योंकि जहाँ टी का खेल खत्म हो जाता है वहीं से जी न्यूज़ की पत्रकारिता शुरू होती है और हम आगे भी आपको इसी तरह की फॉलोअप स्टोरीज दिखाते रहेंगे प्रेजेंटिंग पी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोडेड नाउ